हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ह्यूरिस्टिक वैल्यू इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाई वी यूज द ह्यूरिस्टिक एंड हाउ टू कैलकुलेट द ह्यूरिस्टिक वैल्यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी टॉपिक्स आपको मिलेंगे जहां पे हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को यूज करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम तीनों पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर अगर अब तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द ह्यूरिस्टिक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूरिस्टिक का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज के लिए अनुमान लगाना। मतलब हम एक काइंड ऑफ गेस या काइंड ऑफ क्विक सॉल्यूशन हम ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हट के बात करूं, नॉर्मल हम मैथमेटिक्स में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो, या आपको पूछा हो कि कॉस्ट प्राइस इज ट्वाइस द सेलिंग प्राइस, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर कई बार क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज दिस, तो फाइंड आउट करो कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा अगर इतना टाइम आपको दिया हो। तो हम जनरली कैसे सॉल्व करते हैं इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को? इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 100, मतलब लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दिस और लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिस। तो वो हमें क्या कर रहा है, वो एक्चुअल में हमें हेल्प कर रहा है फाइंड आउट द आंसर क्विकली। आप उसके बिना भी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें आंसर्स को क्विकनेस वे में फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा है। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ह्यूरिस्टिक का यूज करते हैं। सो इट इज अ टेक्निक डिजाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम क्विकली। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में डिस्कस किया, तो अनइन्फॉर्म्ड में हम क्या बोल रहे हैं कि हम ब्लाइंड सर्च कर रहे हैं। मतलब हम प्रॉब्लम के सारी स्टेट स्पेसेस में जाते जा रहे हैं और जो स्पेस, जो स्टेट हमारी गोल स्टेट से मैच कर रही है, तब हम, हमारी जो सर्च है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारी प्रॉब्लम है ना, जो एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो प्रॉब्लम जो है वो एक्सपोनेंशियली टाइम ग्रो कर रही है, और हमारा जो टाइम है वो एक्सपोनेंशियल टाइम जो है वो हो सकता है। जैसे अगर हम 8 पजल प्रॉब्लम की बात करें ना, सिंपल 8 पजल प्रॉब्लम की भी, तो अगर आप उसको ब्लाइंड सर्च वे में करते हो तो वर्स्ट केस में वो एक्चुअल में कितना हो जा सकता है, ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है अनइन्फॉर्म्ड के केस में, और 3 raised to power 20, approximate 3 raised to power 20 सर्च स्पेस पॉसिबल है। तो आप इतनी नोड्स को, इतनी स्टेट्स को अगर आप कंपेयर करोगे, सर्च करोगे, तो ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बिकॉज ये नियर अबाउट 3 to 3.4 तक बिलियन, इतनी स्टेट जो है वो क्रिएट हो रही है। अगर आप 8 पजल की बजाय अगर आप 15 पजल भी लेते हो, ऑल्दो 15 पजल में भी आपके पास मूव चार ही है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, लेकिन उसके बावजूद यहां पे 10 raised to power 13 तक जो है वो सर्च स्पेस पॉसिबल हो सकती है। और अगर आप 24 पजल लेते हो तो उसमें आपकी 10 raised to power 24 स्टेट्स पॉसिबल है। तो इतना ह्यूज नंबर अगर आपका बन रहा है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली टाइम ग्रो कर रही है। और अगर आप इनकेस कोई बड़ी गेम लेते हो, लेट से चेस लेते हो, तो चेस में जो ब्रांच फैक्टर है, जो बी की वैल्यू है ना, वो 35 तक हो सकती है, और जो डी की वैल्यू है वो 80-90 तक ग्रो कर सकती है। तो 35 raised to power 80, that is a very huge number. तो इतनी values को अगर आपको calculate करना है, इन type of problems को हम क्या बोलते हैं, NP, that is non-polynomial problem. और non-polynomial problem में obviously हमारी time complexity जो है वो exponential है। हाँ, इसमें हमें एक advantage है कि ये definitely optimal solution देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना time मेरा ना लगे। तो अगर हम solution को quick find out करना चाहते हैं, या अगर हम बात करें, rule of thumb भी हम इसको बोलते हैं, मतलब हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं थोड़ा ग्रीडी मेथड से, हम बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, मेरा जो टाइम है वो टाइम मेरा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि ये फाइंड आउट करता है किस वे से, ये फाइंड आउट करता है कि आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है, आप सारे सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने की बजाय जो उनमें से बेस्ट है ना, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू बेस्ट है, आप उस मेथड पे चले जाओ। मतलब अगर इतने सॉल्यूशंस हैं, अगर इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लेट से 10 है और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लेट से 15 है, तो जो कम वैल्यू है, जनरली अगर हम डिस्टेंस या टाइम के वे से बात करें, तो हम जनरली बात करते हैं कि लोअर द नंबर वो बेस्ट है हमारे लिए। तो लोअर द नंबर, अगर कॉस्ट इसकी लोअर है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, मतलब इस तरफ हम एक्सप्लोर करेंगे ही नहीं। वर्स्ट केस में हो सकता है मेरे को इस तरफ भी करना पड़े, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि ह्यूरिस्टिक जो फंक्शंस है ना, वो हमें गारंटी देते हैं कि हम आपको गुड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आए ना आए,
ये कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो जहां पे भी हम चाहते हैं कि यार नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम को हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करना चाहें, मतलब क्विक सॉल्व करना चाहें, वहां पे हम यूज करते हैं किसको, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को या ह्यूरिस्टिक वैल्यू को। और यहां पे इन्फॉर्म्ड सर्च के जनरली जितनी भी आपकी इन्फॉर्म्ड सर्च की टेक्निक्स हैं उनके अंदर हम जो बोलते हैं कि इन्फॉर्म्ड सर्च का मतलब क्या है, हमारे पास एक गाइड है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या होती है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है कि क्यों हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को यूज करते हैं, ताकि हम क्विक फाइंड आउट कर सके। हमें पता है कि गुड सोल्यूशन आएगा, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द थर्ड पार्ट, कि हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे एक मेथड है यूक्लिडियन डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, मतलब लेट्स से अगर आपके पास एक नोड है, स्टार्ट नोड है, लेट्स से दिस इज योर गोल स्टेट, मतलब आपने एक सिटी के अंदर लेके चलो, अगर ये आपकी स्टार्ट स्टेट है, ये आपकी गोल स्टेट है, लेट्स से कि आपको गोल स्टेट तक जाने के लिए आपके पास ये तीन अलग स्टेट्स आ रही हैं। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप चाहते हो कि यार गोल स्टेट पे आप पहुंचना चाहते हो मिनिमम कॉस्ट में, मतलब अर्लीस्ट अगर आप पहुंचना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आपके लिए एक बेस्ट मेथड क्या है कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, लेट्स से अगर ये एक्स वन वाई वन है, ये इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है, तो हम एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं होल का, तो इसको अगर हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करें, तो ऑब्वियसली आपको पता लगेगा कि ये डिस्टेंस जो है वो सबसे मिनिमम आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको ऑब्वियसली दिखने में लग रहा है कि ज्यादा है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो आपका कम आएगा। तो ऑब्वियसली आप इनको एक्सप्लोर करने के बजाय आप डायरेक्ट इस पाथ पे जाओगे। तो आपको मल्टीपल पाथ जो है वो एक्सप्लोर नहीं करने, लेकिन ब्लाइंड सर्च के अंदर आपको यहां पे भी जाना है, यहां पे भी जाना है, यहां पे भी, यहां पे भी, तो ऑब्वियसली आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। या फिर हम यूज करते हैं लेट्स से मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस बेसिकली हम यूज करते हैं अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना हो। जैसे एट पजल प्रॉब्लम का अगर हम एग्जाम्पल लें, एट पजल प्रॉब्लम में लेट्स से हमारे पास स्टार्ट स्टेट दी हुई है, गोल स्टेट दी हुई है, ये हमारी स्टार्ट स्टेट है और लेट्स से ये हमारी गोल स्टेट है। गोल स्टेट में हम चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेरा एम्प्टी है, और जो स्टार्ट स्टेट है लेट्स से आप ले लो 1 3 2 5 6 4 8 7 कुछ भी, कोई भी आपकी स्टार्ट स्टेट हो सकती है। तो स्टार्ट से अगर आपको गोल स्टेट में जाना है, तो 8 पजल में जैसा कि मैंने बोला, अगर आप ब्लाइंड सर्च करते हो तो 3 raised to power 20 सर्च स्पेस पॉसिबल है, तब जाके आपको जो है फाइनल एक ऑप्टिमल आंसर मिलेगा कि आपको गोल स्टेट अचीव होगी। लेकिन अगर मैं यहां पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो मैं एक फाइंड आउट कर सकता हूं कैसे, विद द हेल्प ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप कैलकुलेट कर लो डिस्टेंस, मतलब जैसे 1 है, 1 अपने राइट पोजीशन पे है, गोल स्टेट के हिसाब से राइट पोजीशन पे है, तो यानी आपको कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कितनी मूवमेंट करनी है, कोई मूवमेंट नहीं करनी, 1 अपनी जगह पे है। 2 देखो, 2 एक्चुअल में यहां पे होना चाहिए क्योंकि गोल स्टेट में यहां पे है, लेकिन 2 यहां पे है, तो अगर आप इसको एक मूव लेफ्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली वो अपनी राइट पोजीशन पे चला जाएगा, यानी आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 1। ऐसी लेट से 3 यहां पे है, लेकिन आप चाहते हो कि वो यहां पे पहुंचे, गोल स्टेट आपकी ये है, तो ऑब्वियसली 1 अगर आप मूव कर दोगे तो ये आपको राइट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। 4 देखो, 4 आपका यहां पे है और इस केस में यहां पे है, तो आपको अगर इसको 2 लेफ्ट मूव कर दोगे, मतलब अगर आप 2 हॉरिजॉन्टल मूव कर दोगे लेफ्ट साइड में, तो ये अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो 2 इसका डिस्टेंस हो गया। 5 राइट पोजीशन पे है तो 0। 6 के लिए आपको 2 लेफ्ट यहां पे है तो 2 राइट करना पड़ेगा, तो इसमें 2 ऐड कर दो। प्लस 7 के लिए आपको 2 करना पड़ेगा मूव। 8 ऑलरेडी राइट पोजीशन पे है, तो ये आपका जो है वो मैनहट्टन डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप मल्टीपल स्टेट्स इसको आप जब एक्सप्लोर करोगे, इसको जब आप खाली स्पेस को अपर लेफ्ट साइड में मूव करोगे, तो मल्टीपल आपकी जो ब्रांचेस बनेगी, उन ब्रांचेस में से आप फाइंड आउट कर लो कि किसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू, किसकी मैनहट्टन डिस्टेंस कम आ रहा है, तो आप उस पाथ को फॉलो करो। ये आपका एक मेथड हो गया। या फिर इसमें हमें एक और मेथड भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स अगर आप कैलकुलेट कर लो, मतलब लेट्स से कि ये देखो 1 अपनी राइट पोजीशन पे, हां
टू है नहीं है तो एक आपकी आ गई, मतलब आपको नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो थ्री अपने राइट पोजीशन पे नहीं है, एक होगी, टू अपने राइट पोजीशन पे नहीं है, दो, एक अपनी राइट पोजीशन पे है, ठीक है, फोर है राइट पोजीशन पे नहीं, तीन, फाइव है, सिक्स है राइट पोजीशन पे नहीं, चार होगी, सेवन राइट पोजीशन पे है नहीं, पांच होगी, एट राइट पोजीशन पे है, यस राइट पोजीशन पे है। तो यानी वो आपकी जो टोटल मिसप्लेस्ड जो टाइल्स वो कितनी है, फाइव। जब आप इसको ब्रांचेस में कन्वर्ट करोगे, मल्टीपल ब्रांचेस बनाओगे, तो आप मिसप्लेस्ड फाइंड आउट कर लो, जिसमें नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड आपकी कम होंगी वो वाला पाथ आप एक्सप्लोर कर लोगे, ताकि आपको कम टाइम में कम कॉस्ट में अपना सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। तो मल्टीपल वेज है, ये सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस हम यूज कर सकते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स हम यूज कर सकते हैं। तो इन मेथड से हम एक अनुमान लगा रहे हैं, एक हिरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि रूल ऑफ थंब की तरह है कि हाँ यार मैं इस तरफ जाऊंगा क्योंकि ये मेरे को मिनिमम पाथ में लेके जा रहा है। लेकिन लास्ट पॉइंट मैं यहां पे बताना चाहता हूं, हम व्हाट इज दिस, व्हाई वी यूज, हाउ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ह्यूरिस्टिक में हमेशा याद रखना कि इट ऑलवेज गिव्स द गारंटी टू फाइंड द गुड सॉल्यूशन, बट इट डज नॉट गिव द गारंटी टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल आपका ब्लाइंड सर्च जो है वो देगा, ग्रीडी जो है वो आपको ऑप्टिमल देगा या नहीं देगा ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, गुड सॉल्यूशन की ये गारंटी देता है। एक सिंपल से एग्जांपल से देखो, जैसे हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ऑब्वियसली आप यही पाथ फॉलो करोगे क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो इसके कंपैरेटिव या इसके या इसके या इसके ऑब्वियसली कम है। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में अगर आप लेके चलोगे, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो बहुत रेयर चांसेस होगा कि आपको स्ट्रेट लाइन जो है वो मिलेगी या स्ट्रेट पाथ मिलेगा। लेट से आप ये पाथ फॉलो करने लगे और फ्यूचर में जाके आपको पता लगा आगे जाके कि यहाँ पे तो माउंटेन है, अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, माउंटेन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप यहाँ पे जाके इस तरीके से पाथ फॉलो करोगे, तो इससे बेटर क्या है, हो सकता है कि ये पाथ या फिर ये पाथ आपको मिनिमम डिस्टेंस में ले जाए। तो ये एक मेथड्स है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट गिव द गारंटी टू फाइंड द ऑप्टिमल, हाँ गुड सोल्यूशन की गारंटी देता है। तो मेन हम ह्यूरिस्टिक का कब यूज करते हैं या क्यों यूज करना चाहिए, वेन वी वॉन्ट द सोल्यूशन क्विकली, जब हम चाहते हैं कि एनपी की बजाय हम उसको पॉलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट कर सकें। हाँ, वर्स्ट केस में तो ये भी जा सकता है नॉन पॉलिनोमियल में, लेकिन नॉर्मल एवरेज या बेस्ट केस में कह सकते हो कि ये बेटर परफॉर्म करेगा, बेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम एज कंपेयर टू द ब्लाइंड सर्च, या जिसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स मेथड, या जिसको हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर हम यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक, जिसके अंदर हम ह्यूरिस्टिक डीएफएस, ह्यूरिस्टिक बीएफएस, हिल क्लाइंबिंग है, ए स्टार एल्गोरिदम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन सारे एल्गोरिदम्स को हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।